वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड लाइक फैमिली, कैसे हो आप सब? तो भाई आज से जो नवी सीरीज चालू हो रही है अननोन ब्लॉगर की जिंदगी से जुड़ी हुई ये चीज़ है भाई, तो अगर इसमें कहीं पे मैं अटकू तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लेना। बस यही है कि भाई 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए तो क्या है अननोन ब्लॉगर, किस तरीके की लाइफ जर्नी है, किस तरीके से एक नॉर्मल जो लड़का होता है मुंबई में वो स्कूल से लेके अपनी जो लाइफ जर्नी चालू करता है, ये डिफरेंट पार्ट में हम ये वीडियो बनाएंगे भाई। तो अपनी लाइफ की जर्नी मैं स्टार्ट करता हूँ भाई। एक तो होता है कि 3 साल की उम्र तक हम स्कूल नहीं जाते, फिर भाई जब 3 साल के होते हैं तो स्कूल में एंट्री होती है भाई, मगर फिर कुछ समझ नहीं होती ना भाई कि सब जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, असल जो स्कूल का मज़ा चालू होता है भाई वो 6th कह लो या 7th क्लास से। तो भाई मुंबई के लड़के जो है भाई मुंबई की पब्लिक जो है बहुत फास्ट हो जाती है भाई, तो 7th की जो शुरुआत थी हम लोगों की भाई, 7th में हमें मिले सरप्राइजिंग गिफ्ट, वो कहते ना भाई तोहफा, ज़िंदगी के अनमोल तोहफे हम लोगों को मिले और मुझे पर्सनली मिले 7th में, वो तोहफे जिन्हें मैंने आज तक संभाल के रखा है भाई, जिन्हें कहा जाता है दोस्त, क्योंकि जो स्कूल के बाहर के दोस्त होते हैं ना भाई वो सिर्फ दोस्त होते हैं भाई, मगर जिन लोगों के साथ आपने स्कूल पढ़ी है और आप उसी सिटी में सर्वाइव कर रहे हो और आज भी वही 10 किलोमीटर के रेंज में सारे लोग रह रहे हैं जहाँ आपकी स्कूल थी, तो फिर भाई मैं कह सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बाकी लोगों से मोस्ट ब्यूटीफुल ज़िंदगी है, क्योंकि बचपन के दोस्तों के साथ मिलना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना वो एक अलग मज़ा है। तो अब आते हैं टॉपिक पे भाई, 7th में पहुँचे भाई, 7th तक हम सब ऐसे बच्चे थे जो किसी भी तरीके से पास हो जाते थे भाई, मस्ती करते थे मगर मस्ती का भी एक अपना अलग लेवल था भाई, लिमिट वाली मस्ती थी। 7th में फिर हमें मिले हमारे कुछ दोस्त जो 7th में हमारे सीनियर थे, फेल हो गए, रिपीट में हम लोगों के साथ वापस आ गए, तो उन लोगों ने दिया ज्ञान का खजाना। क्या होता है सीनियर से बहुत कुछ सीखने मिलता है, उन सब लोगों ने हम लोगों को दिया ज्ञान का खजाना भाई, और आज तक भाई वो लोग हमसे जुड़े हुए अपने दिल के टुकड़े हैं और बहुत मज़ा आता है, सुख दुख काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने एक साथ शेयर की है। तो जब 7th में गए सीनियर लोग मिले तो पता चला कि भाई स्कूल में असली मस्ती क्या होती है, क्या चीज़ कैसी होती है। तो शुरुआत करते हैं, मेरा एक दोस्त जिसका नाम नहीं लूँगा मैं तो थोड़ा बवाल हो जाएगा ग्रुप में, शुरुआत करते हैं उससे। एक हमारे मराठी के सर थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो और साथ में वो ये भी लेते थे, एक लेक्चर और लेते थे, वर्क एक्सपीरियंस जिसे कहा जाता है। आप लोगों को याद होगा तो बचपन के टाइम में, स्कूल के टाइम में टीचर और प्रोफेसर या सर कह लो, वो लोग साल में एक दिन आपको कहते थे कि पेड़ पौधा घर में लगाओ और आपका जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन आपको लेके आना है। तो भाई जो अपना ग्रुप था ना भाई, हमारी जो स्कूल थी वो जेबी नगर में थी, ये प्रॉपर मारवाड़ी गुजराती सोसाइटी थी भाई, चोरी का कोई इरादा नहीं था भाई, चोरी का इरादा कोई भी नहीं था, बस ये एक मस्ती थी, क्योंकि हम लोग उस ग्रुप से आते थे ना भाई जिन्होंने पढ़ाई पे कभी ध्यान नहीं दिया मगर देना चाहिए था, अब ऐसा लगता है। तो जब ये एग्ज़ाम होता था तो हम लोगों को पता होता था कि कौन सी बिल्डिंग की वॉल पे किस कौन से झाड़ की कुंडी रखी हुई है भाई, तो अपना जो ग्रुप था वो माहिर था भाई, तो वही जाते थे स्कूल में दिखाते थे, मगर ईमानदारी इस बात की थी कि जब एग्ज़ाम ख़त्म होता था तो वो कुंडी को उस जगह पे वापस पहुंचा देते थे। तो हमारा एक दोस्त था रवि, नाम ले लेता हूँ रवि, जिसने बहुत ज़बरदस्त पेड़ लाया था, बहुत हरा भरा और बड़ा पेड़ लाया था, तो हम सब बहुत खुश थे यार, खुश उसको दिखाने के लिए थे मगर अंदर ये चीज़ चल रही थी कि यार इसने तो बहुत बड़ा वाला पेड़ लेके आ गया और अपन ने तो छोटी छोटी वाली कुंडी लाए भाई। तो सबने अपना अपना प्रेजेंटेशन दिया, फिर रवि भाई का नंबर आया तो रवि भाई गए वहाँ पे, उन्होंने सर को अपना बताया कि पेड़ क्या है और इस पेड़ के बेनिफिट क्या होते हैं, वो सारी चीज़ बताना होता था और कितने दिन से हमने इस पेड़ को रखा है। तो सबकी नज़र रवि पे थी और सर पे थी, क्योंकि रवि ने सबसे खूबसूरत पेड़ लाया था। सर ने जब उसकी पूरी टॉपिक सुनी उसके बाद में सर ने उस पॉट, जो बड़ा पॉट था, उसके पेड़ को इस तरीके से पकड़ा और निकाल दिया। तो उस दिन समझ में आया कि जो रवि था वो स्कैमर था रवि जो हमारा दोस्त था वो स्कैमर था। क्यों?
क्योंकि उसने भाई एक पेड़ की डंडी को तोड़ के कुंडी में डाल के लाया था, और हम लोगों को लग रहा था कि इसने बहुत बड़ा पेड़ लाया है। तो आज भी जब भी ग्रुप में ये टॉपिक निकलता है भाई, तो ऐसा लगता है कि बचपना रिवर्स हो गया। अब भाई मैं स्कूल से सीधा आता हूँ 15 साल बाद, 15 साल बाद वाली जर्नी में आता हूँ। एक मेरा दोस्त जो बहुत करीबी आज भी मेरे, वो टाइम भी था, बट आज ऐसा है कि हम लोग रोज मिल रहे हैं। तो उस दोस्त ने पूछा कि भाई अभी कौन कौन है ग्रुप में, क्या चल रहा है, क्योंकि वो अपने काम में बिजी हो चुका था। तो मैंने बताया भाई ये लोग हैं, ऐसे ऐसे मिलते हैं। तो वो मेरा दोस्त आया मेरी जिंदगी में सुनामी की तरह, जिसने सबको बहा दिया, और वो आज मेरे साथ है। क्योंकि जब मैंने उसको सबसे मिलाना चालू की कि भाई ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये तो एक हमारी फ्रेंड है भाई जो एयर होस्टेज है भाई आज एयर इंडिया में, और वो तरक्की करे हमें अच्छा लगेगा। तो हम लोग उसको मिले, उसके साथ हमने वक्त गुजारा भाई। हम लोग बैंड्रा गए, वहाँ पे उसके पैसे की कॉफ़ी पिए, उससे उसकी सैलरी की डिटेल लिए, उससे जितना खर्चा करा सकते थे उतना खर्चा कराए। क्योंकि अपने को दोस्त को पहचानना भी है ना, कि दोस्त मतलब खर्चा करने के बाद भी रिटर्न आ रहा है तो वो अपना दोस्त है ना, अगर खर्चा करके नाराज हो जा रहा है तो दोस्त कैसा। तो खैर आज भी सबसे मुलाकात हो रही है, उससे खर्चा कराए, और फिर उसके बाद में हम लोग बहुत हंसते 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 घर पे आए। फिर अपने भाई ने बोला कि और कौन कौन है भाई अभी लिस्ट में, तो बोला ये है। फिर एक हमारा दोस्त है भाई जिसका नाम है प्रदीप विश्वकर्मा, और वो बहुत अच्छे लेवल पे भाई अभी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में, भाई जैसे आप बड़े बड़े मॉल वगैरह देखते हो तो एक अच्छे ब्रांड के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई, उनको और तरक्की मिले। तो उसके घर पे हम गए सरप्राइज विजिट की, उसके बाद में हम लोगों ने उसको गाड़ी में बिठाए, और उसको हम लोगों ने कहा कि हमें बर्गर खाना है। तो सिलसिला चालू हुआ, पहले सब जगह घुमा, ये खाना है वो खाना है, फिर लास्ट में बोले नहीं यार अभी थोड़ा मंचिंग करते तो फिर बर्गर खा लेते। तो बर्गर खाने के लिए हम लोग उसे मैकडोनल्ड भी लेके जा सकते थे, और बाजू में कई सारे आउटलेट है वहाँ पे भी जा सकते थे, मगर फाइनली हम लोग गए T2, क्योंकि जो एयरपोर्ट है अपने घर से बहुत करीब है। टर्मिनल 2 पे हम लोग गए एयरपोर्ट पे, बर्गर किंग वो टाइम पे खाए थे, ये 3-4 साल हो गए ये बात को। तो अपने को बर्गर दो ही पता था भाई, एक चिकन एक वेज। वो कितना भी हमें अगर बर्गर वाला सजेस्ट करता था कि एक्स्ट्रा ये करना है वो करना है, तो अपने को तो बर्गर यही पता था भाई, या चिकन खाना है या वेज खाना है। मगर उस दिन मेरे को पता चला कि बर्गर में वेराइटी भी होती है। जो अपने दोस्त थे भाई, उसने कहा कि भाई बर्गर खाएंगे, तो प्रदीप भाई ने कहा कि हाँ भाई खाओ ना बर्गर, यार आप लोग से बढ़ के है क्या भाई। तो हम लोगों ने वहाँ पे 3 बर्गर लिया, जिसमें से एक नॉर्मल बर्गर मेरे दोस्त ने खाया जो उस दिन का स्पॉन्सर था प्रदीप विश्वकर्मा, और उसके बाद में हम लोगों ने 2 बर्गर लिया, डबल चीज़ डबल पैटी ये भी कहा जाता है, ये अपने को पता नहीं था भाई। तो टोटल बिल जो आया भाई 1250 रुपये का बिल आया 3 बर्गर में, आप जाके चेक भी कर सकते हो भाई, खाली हवा हवाई बात नहीं है। और उस बर्गर को खाने के बीच में वहाँ पे हमें एयरपोर्ट पे और एक पैसेंजर मिला, जिसने हम लोगों को समझाया कि यहाँ खाने से अच्छा बगल में ही भाई मरोल नाके पे, साकी नाका पे इसका आउटलेट है, वहाँ जाके खाइए तो आपका पैसा बच जाएगा। तो हम लोगों को उस पैसेंजर को समझाना पड़ा कि भाई ये बर्गर खाने के लिए हम लोग इस बंदे को कार में 1 घंटे से घुमा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बर्गर हम लोगों ने खाए, बर्गर खाए, सामने वाले ने पैसा दिया, हम लोगों ने बिल के साथ अपने भाई ने प्रदीप विश्वकर्मा के चेहरे के साथ उस बिल को रख के भाई प्रॉपर उसका फोटो क्लिक किया है, वो फोटो आज भी हम लोगों के पास सेव है भाई, ठीक है भाई। और बर्गर खाने के बाद उसे बताया गया भाई, जताना नहीं था मगर जताना पड़ा उसको, बताया गया कि भाई भाई माँ की कसम खा के बोल रहा हूँ भाई, इतना महंगा बर्गर मैंने कभी नहीं खाया था, आज तेरे वजह से दोस्त मैंने खाया हो। तो ये जो स्कूल के दोस्त होते हैं भाई, ये बहुत कमीने होते हैं मगर दिल के करीब होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वाक्य मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। और कुछ अलग यूट्यूब पे करने की सोच रहा हूँ भाई, बकरेबाजी तो चलती रहेगी, फूडीज़ जो फूड के वीडियो होते हो तो बनते रहेंगे, मगर अपने बारे में भी जब आप लोग मुझे अपना भाई समझते हो तो पार्ट पार्ट में भाई हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा।
फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मैं होऊंगा, और इस बार स्कूल का कोई और बंदा होगा, मेरा स्कूल का कोई और दोस्त होगा जो कैरेक्टर होगा फ्रंट पे। तो आज मैंने आपको दो दोस्तों, तीन दोस्तों से मिला है, जिसमें से एक का नाम रिवील नहीं किया, जिसका नाम रिवील करूंगा लास्ट में, और वो मेरे साथ यहाँ चेयर पे बैठा होगा और बताऊंगा कि किसके साथ मिलके मैंने ये सारे कांड किया। तो आज मैंने दो दोस्तों के बारे में बताया, जो एक था भाई स्कैमर रवि मिश्रा, जिसने भाई पेड़ लगा के आया था मगर वो पेड़ की सिर्फ डंडी थी, और सेकंड था दिलदार हमारा दोस्त प्रदीप विश्वकर्मा, उसकी कमाई में और बरकत होए भाई, और हम लोगों को वो अच्छे से अच्छे ट्रीट दे। तो ऐसी सारी रिलेटेड चीज़ भाई, दोस्तों से रिलेटेड चीज़, किसके साथ क्या क्या वाक्या हुआ था, ये सारी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, अपनी लाइफ जर्नी शेयर करूंगा, और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।